जय हिंद साथियों, आज हम लोग व्यवहारवादी सिद्धांत में एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक को पढ़ेंगे जिनका नाम है ईएल थॉर्नडाइक। जी हां, अगर आप सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपने अभी तक थॉर्नडाइक के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नहीं पढ़े हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं तो अभी आपकी दिल्ली दूर है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं थॉर्नडाइक, यहां से आपके भर्ती परीक्षा में प्राय प्रश्न आते हैं, तो चलिए कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। पहले मैं छोटा सा इंट्रो दे देता हूं इसके जो बोर्ड पर लिखा गया है, उसके बाद इसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ईएल थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म 1874 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1949 में हुआ था। ये ऐसे पहले अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना प्रयोग पशुओं पर किया। एक प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि इन्होंने जो प्रयोग किए थे पशुओं पर वो कौन कौन से पशु थे, तो वो थे बिल्ली, चूहा, मुर्गी, मछलियों पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। लेकिन किस कारण ये सर्वाधिक विख्यात हुए, वो था बिल्ली पर प्रयोग। किस पर? बिल्ली। लोग कहते हैं थॉर्नडाइक का बिलरा, ठीक है, मतलब थॉर्नडाइक का प्रयोग बिल्ली पर जो था वो काफी प्रसिद्ध रहा। और कौन सी बिल्ली थी? बिल्ली थी भूखी, और इसको हम अनुक्रियाकर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुक्रियाकर्ता कहते हैं, माने रिस्पांस। और जबकि उद्दीपक जो था मछली या मांस, मतलब उन्होंने क्या किया, एक बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और जो पिंजरा था एक हुक के माध्यम से खुलता था, और भूखी बिल्ली को जब कैद कर दिया जाए उसकी थोड़ी दूर पर कुछ पकी हुई मछली या कुछ मछली या मांस के कुछ अंश रख दिए गए, जिसे हम उद्दीपक या ऐश कहते हैं। जी हां, जिसे हम उद्दीपक या ऐश कहते हैं। और उसके कारण उसकी जब गंध मछली की उस बिल्ली के नाकों तक पहुंची तो भूख से और तड़पने लगी। वो पिंजरे में बहुत उछल कूद करती है, अचानक उछल कूद करते करते पिंजरे का लीवर दब जाता है, पिंजरा खुल जाता है, बिल्ली बाहर आती है और मछली खा लेती है। फिर थॉर्नडाइक क्या करते हैं, फिर बिल्ली को उस पिंजरे में डाल देते हैं। ऐसे कई बार प्रक्रिया करने के बाद बिल्ली को यह पता हो जाता है कि जब भी उसे पिंजरा खोलना है तो कौन से हुक को दबाना है। इसलिए यहां पर अनुक्रिया और उद्दीपक, अनुक्रिया और उद्दीपक होता, इसलिए इसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। इसे एसआर सिद्धांत कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से इसे जानते हैं। उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें थी, उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी जो आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाते हैं। आइए उन रचना के बारे में एक नजर दौड़ा लेते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना, जी हां, यह रचना जिसका प्रतिपादन उन्होंने 1898 में अपने पीएचडी के एक शोध प्रबंधन में किया था, जिसका शीर्षक उन्होंने रखा था एनिमल इंटेलिजेंस। क्या रखा था? एनिमल इंटेलिजेंस रखा था। इनकी एक प्रमुख रचना है। उसके बाद हम आगे देखते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी 1903 में। फिर अगली इनकी रचना थी द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग 1914 में, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस 1926 में, फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग 1933 में, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर 1940 में। ये इनकी ऐसी प्रमुख पुस्तकें थी जो आपके परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, अभी तो ये ट्रेलर है, इसकी पूरी विस्तृत व्याख्या आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, इनके सिद्धांत को और कई नामों से जाना जाता है जो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे इनके सिद्धांत को कहा जाता है संबंधवाद का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? संबंधवाद का सिद्धांत। इसे ही बंध का सिद्धांत कहते हैं, इसे ही एस आर थ्योरी या एस आर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। एस आर सिद्धांत, जी हां, उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन इन्होंने 1913 में किया था। कब किया था? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने 1913 में किया था। उसके अलावा अगर हम और देखें तो आवृत्ति का सिद्धांत, इनके सिद्धांत को आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं, चयन का सिद्धांत कहते हैं, समायोजनवादी सिद्धांत कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, एस आर सिद्धांत। इतने नामों से इनके सिद्धांत को जाना जाता है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने देखा थॉर्नडाइक के नियम। थॉर्नडाइक के नियम को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। जो पहला है जिसे हम कहते हैं मुख्य नियम, मुख्य नियम की संख्या तीन है।
जो अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम के नाम से जाना जाता है। इस तीन नियम को हम किसे कहते हैं, मुख्य नियम के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरा इनका गौढ़ नियम है। गौढ़ नियम अगर देखें तो ये पांच हैं, जिसमें बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस प्रकार हमने देखा, यहां से प्रमुख जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन इसके अलावा अब इस टॉपिक की हम लोग इसके बाद विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए और साथ ही साथ प्ले स्टोर के एप्लीकेशन से ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे बाल मनोविज्ञान की पूरी कक्षा आपको मिल जाएगी, आप सभी के सरकारी शिक्षक बनने में एक महत्वपूर्ण योगदान देगी। जल्दी से आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले। हो गया स्क्रीनशॉट क्लियर। चलिए अब आते हैं इसके एक एक टॉपिक के एक एक तथ्यों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो ई.एल. थार्नडाइक थे, इनका पूरा नाम था एडवर्ड ली थार्नडाइक। इनका पूरा नाम क्या था? एडवर्ड ली थार्नडाइक इनका पूरा नाम था। साथ ही साथ इनके बारे में और अगर आप लोग को जाननी है कुछ बातें, तो हम वो भी आपको स्पष्ट करते हुए चलते हैं कि इनकी जो पहली शोध थी जो प्रकाशित हुई, उसका जो शीर्षक था वो था एनिमल इंटेलिजेंस। क्या नाम था उसका? एनिमल इंटेलिजेंस के नाम से था, और इसका प्रकाशन 1898 में हुआ था। यह अमेरिका के पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया। और अब स्पष्ट होता है कि ई.एल. थार्नडाइक कहां के निवासी थे, तो वह अमेरिका के निवासी थे। थार्नडाइक के संबंधवाद का सिद्धांत, क्योंकि इस पर सिद्धांत को कहा जाता है थार्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। किस नाम से जानते हैं? थार्नडाइक के संबंधवाद के सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है। इस सिद्धांत में उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, माने जो थार्नडाइक का यह सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हम उद्दीपक और अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, अर्थात इसे एस आर सिद्धांत, एस आर बॉन्ड भी कहते हैं, जिसका प्रतिपादन इन्होंने 1913 में किया था। इसका प्रतिपादन 1913 में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब एस आर बॉन्ड के अनुसार, एस आर थ्योरी के अनुसार, जब कोई उद्दीपक किसी भी व्यक्ति, जीव या प्राणी के सामने उपस्थित होता है, तब वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, जैसे अगर आपके सामने शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा है, तो आप क्या होते हैं, आपके सामने क्या है, एक उद्दीपक रख दिया जाए। क्या रख दिया जाए? उद्दीपक रख दिया जाए। आप क्या करते हैं? तब आप उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। आप कहते हैं दुर्गेश सर की क्लास पढ़ लिया जाए, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स पढ़ लिए जाए, फिर उन ऑफलाइन जो क्लास है ई-लर्निंग विद दुर्गेश उसको ज्वाइन कर ले। मतलब आपके मन में तब पढ़ने की इच्छा जागृत होती है। जैसे आपका सीटेट आ गया, सीटेट के लिए शुरू कर दिए, यूपीटेट आ गया, यूपीटेट के लिए, मतलब सरकारी शिक्षक अगर जहां बनना है, जहां पे आपको जरूरत पड़ती है, आप अपना काम शुरू कर देते हैं। मतलब किसी भी प्राणी के समक्ष सबसे पहले क्या रखना चाहिए, उसके सामने क्या प्रस्तुत करना चाहिए, उसके सामने उद्दीपक होना जरूरी है। बिना उद्दीपक के अनुक्रिया नहीं होती, यह इस सिद्धांत का सबसे मूल और निचोड़ है। अनुक्रिया के सही अथवा संतोषजनक होने पर उसका संबंध उस विशेष उद्दीपक से हो जाता है जिसका कारण अनुक्रिया की गई है। अब यहां पर एक बात थोड़ा समझने वाली बात है कि संतोषजनक होने पर, मतलब अगर कोई व्यक्ति शाकाहारी है, उसके सामने फ्री में मांस बिक रहा हो, बकरे का, मुर्गे का, तो क्या वो ले जाएगा? उसे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसे उस संतोष नहीं है, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो, चाहे ले, उसके लिए मजदूरी नहीं करता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शराबी है, खूब शराब पीता है, खूब दारू पीता है, और कहिए आपको हम 10 बोतल दारू देंगे अगर यह मिट्टी इतना खोद दोगे, तो तुरंत तेजी से काम शुरू करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दारू नहीं पीता है, शराब नहीं पीता है, मदिरा का सेवन नहीं करता है, वह आपका काम नहीं करेगा। मतलब उद्दीपक जो होना चाहिए वो संतोषजनक होना चाहिए। यह इस थ्योरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। समझ में आया आप लोग को? मतलब हमने ये समझा इतने थ्योरी को पढ़ने के बाद, एक बात समझ में आ गई कि जो अधिगम है, अधिगम की जो प्रक्रिया है, माने अधिगम की प्रक्रिया के दौरान जो उद्दीपक होगा, स्टिमुलस जो होगा, ये आपका उद्दीपक और उसका जो अनुक्रिया होगा, इनके बीच में एक कनेक्शन होना जरूरी है, एक संबंध होना जरूरी है, और वह संबंध संतोषजनक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संतोषजनक संबंध होना चाहिए।
इन बंधनों से बनने की प्रक्रिया उनकी बातों पर निर्भर करती है कि वो कितना संतुष्ट है, और जितना ज्यादा संतुष्ट होंगे बांध जो होगा, जो उसका बंधन होगा वो उतना मजबूत होगा, और संतोषप्रद ना हो तो कमजोर होगा। मैंने बताया कि मैं यही कह दूं कि इतनी लंबी दीवार बना दो आपको कुछ नहीं मिलना है, कोई बनाएगा नहीं बनाएगा, तो यहां पर संतोष जरूरी है। इस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंधों को हम एस आर बांड बनता है। क्या बनता है आप लोग को दिख रहा होगा, एस आर बांड बनता है। यहां पर क्या बनेगा, एस आर बांड बनेगा। अब एस आर बांड बनता है, और इसलिए इसलिए इस सिद्धांत को संबंधवाद या बंध का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे संबंधवाद या बंध का या बांड के सिद्धांत के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसे हम आवृत्ति का भी सिद्धांत कहते हैं, इसे हम थियरी ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहते हैं, इसे हम चयन का सिद्धांत कहते हैं, थियरी ऑफ सेलेक्शन की कहते हैं इसे हम, इसे त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने यहां तक इस तथ्य को पढ़ लिया। अब हम ये जानते हैं यह उद्दीपक अनुक्रिया क्या क्या है, शायद अब आपको और अच्छे से समझा पाऊं मैं उद्दीपक क्या है। अगर ठंडाई की भाषा में देखें या हम आपके उद्दीपक की हम बात करें, स्टिमुलस क्या है जिसको हम यश कहते हैं, अगर आपके नजर में पूछा जाए आपका उद्दीपक क्या है, तो आपका उद्दीपक क्या है, सरकारी शिक्षक बनना। जैसे हम आपका आपका जो यश होगा, आपका उद्दीपक अगर हम बात करें, आपका उद्दीपक आपका जो यश है वो क्या है, सरकारी शिक्षक बनना, सरकारी शिक्षक बनना। आपका उद्दीपक क्या है, सरकारी शिक्षक बनना। जब सरकारी शिक्षक बनना है तो मतलब यहां पे हमने देखा ऐसी वस्तु या स्थिति या ऐसा कोई आपका एम, ऐसा आपका कोई गोल जिसके कार्य करने के लिए आप प्रेरित हो, उसे हम उद्दीपक कहते हैं। वो आपका लक्ष्य हो सकता है, एम गोल आपका, आपका प्रमुख भोजन पानी और साथ ही साथ आपके पैसे, आजकल तो पैसे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब गोल। जैसे आपने देखा होगा कुछ ओवर टाइम काम करते हैं, क्यों, क्योंकि ज्यादा काम करने को ज्यादा वेतन मिलते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि उद्दीपक का मतलब वो होता है, एक लाइन में समझिए, जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करे, मोटिवेट करे। आप क्यों सीटेट पढ़ रहे हैं, आप क्यों यूपीटेट पढ़ रहे हैं, क्यों आप शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा पढ़ रहे हैं, क्यों आप केबीएस पढ़ रहे हैं, क्यों डीएसएस भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको बस एक लक्ष्य है कि आपको सरकारी शिक्षक पढ़ना। तो यह आपका हो गया उद्दीपक, यह क्या हो गया आपका उद्दीपक। मतलब हम सभी काफी देर रात पड़ी थे ताकि अपने माई बाप सपना पूरा कर सके और सरकारी नौकरी करे, यही नाते दूसरा प्रशिक्षण बीटीसी के है, बीएड के है, बरसात में पानी में ओला पड़त रहा तो पढ़ेंगे, कैसे कैसे करके पैसा देवान, दूसरे साल प्रशिक्षण पूरा भय जाए कि काहे सरकारी नौकरी मिल जाए, माई बाप सपना पूरा हो जाए, बीटीसी बीएड करें इतना पैसा काहे लोग लगाए, यही वजह से ताकि दो लोग पढ़कर भविष्य में मास्टर और मास्टराइन बने। इसलिए यहां पर अब आपके ऊपर प्रेशर है कि टेट परीक्षा उत्तीर्ण करना है, सुपर टेट उत्तीर्ण करना है और सरकारी शिक्षक बनना है। यह आपका उद्दीपक, आपका लक्ष्य हो गया। उसके बाद इसकी अनुक्रिया कैसे होगी, आइए हम लोग देखते हैं अनुक्रिया, रिस्पॉन्स, अनुक्रिया जिसे हम आर रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। अब रिस्पॉन्स आपका क्या होगा, माने उद्दीपक के अनुसार किया जाने वाला जो कार्य होता है वो क्या होगा, वह आपका अनुक्रिया होगा। अब अपने इस सरकारी शिक्षक बनने का जो लक्ष्य है इसको पूरा करने के लिए अगर आप जौनपुर में तो खोजेंगे कि लर्निंग विद दुर्गेश वाली कोचिंग कहां पे है, ऑफलाइन कहां पे चलती है, पता चला टीडी कॉलेज गेट के पास चलती है। ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हैं, कहां पढ़ रहे हैं, पता चला किसी जनपद में है, आप नौकरी कर रहे हैं, महिला है, गृहिणी है, अब आपको क्या है, आपको उद्दीपक पता है सरकारी शिक्षक बनना है, तब क्या करेंगे, कहेंगे लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल कर लो, सारा क्लास आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर लर्निंग विद दुर्गेश वहां से तैयारी कर लो, क्योंकि यूपी का कोई जिला नहीं है जहां पर लर्निंग विद दुर्गेश का कोई पढ़ाध्यापक ना। मतलब अगर आपको ये बात चली तो क्या किया, अब आपने क्या किया, उद्दीपक के प्रति आपने अनुक्रिया तुरंत शुरू किया, आपने तुरंत खोजा कि दुर्गेश सर की नोट्स कहां मिलेगी, लर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स कैसे मिलेगी, उनकी क्लास कहां से मिलेगी,
तो इसलिए आपके लिए उद्दीपक जरूरी है और उन अनुक्रिया अब आप खोजना शुरू करते हैं। लक्ष्य को पाने के जो तरीके हैं, अच्छी किताबें कौन सी होगी, अच्छी वीडियो लेक्चर कौन से होंगे, कौन से नोट्स आपको पढ़ने चाहिए, और सबसे बड़ी बात खाना पानी, मैंने बताया ना अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए सारा जो जरिया होगा वह आपका अनुक्रिया कहलाता है। बिना उद्दीपक के अनुक्रिया नहीं होता, इसी को हम एसआर बॉन्ड एसआर थियरी के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, एसआर बॉन्ड एसआर थियरी कहते हैं। जी हाँ, जहां मैंने लिखा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थियरी के नाम से जाना जाता है। और यह प्रकाशन 1913 में किसने किया था, किसने किया था, जिसकी थियरी पढ़ रहे हैं, थर्नडाइक महोदय ने किया था। जी हां, अब आगे देखते हैं थर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया। यहां पे मैंने एक लाइन लिख दिया ना, थर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो थर्नडाइक महोदय ने अपना प्रयोग बिलरा पे किया। कहते हैं बिलरा वाला थियरी क्या करो, तो थर्नडाइक का बिलरा, थर्नडाइक का बिल्ली। उन्होंने क्या किया, थर्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने किस पर, बिलरा पर, मूस चूहा कहते हैं, मुर्गी किस, फिर कहते हैं मछली, मुर्गी मछली चूहा बिल्ली, ए पर प्रयोग किए, माने इन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया। इसके बाद उन्होंने सीखने का संबंधवाद उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, सीखने का नियम प्रतिपादित किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सीखने का नियम प्रतिपादित किया। इतना करने के बाद उन्होंने क्या किया, सीखने का नियम बनाया। ये उस नियम को एक बार हम लोग पढ़ते हैं। थर्नडाइक का मुख्य प्रयोग एक भूखी बिल्ली के ऊपर था, किसके ऊपर था, एक भूखी बिल्ली के ऊपर था। उन्होंने क्या किया, थर्नडाइक महोदय ने सबसे पहले क्या किया, ध्यान से समझिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग क्या करेंगे, पहले ध्यान समझिएगा। उन्होंने क्या किया, पहले एक बड़ा सा बॉक्स लिया, क्या लिया, एक बॉक्स लिया। उस बॉक्स को क्या किया उन्होंने, देखिए पहले एक पिजड़ा जैसा उन्होंने बॉक्स लिया, कैसा लिया, पिजड़ा जैसा उन्होंने बॉक्स ले लिया। अब बॉक्स जो था उसके अंदर, पिजड़े के अंदर जो बॉक्स वाला पिजड़ा था उसके अंदर उन्होंने एक भूखी बिल्ली को रख दिया, जिसका दरवाजा एक लीवर के दबाने से खुलता था। जैसे मतलब बॉक्स हो गया, उस बॉक्स के अंदर वो बिलरा बैठा दे, और बिलरा निकले कैसे, बिलरा निकले भी था, मत हुक लगा था, लीवर लगा था, जैसे गाड़ी स्टार्ट कर दो चाबी लगा, ढर्रो ढर्रो स्टार्ट हो गया, किक मारा स्टार्ट गाड़ी, कार चलाना है चाबी लगाया घोर से गाड़ी स्टार्ट। तो वही लिए वो जो बक्सा रहा, जो वो पिजड़ा रहा, वो पिजड़ा में भूखी बिल्ली रखे, जो बिल्ली था उस पिजड़े को कैसे खोल पाती, जब तक वो लीवर नहीं दबाती तब तक पिजड़ा खुलेगा नहीं। अब वो तो मन ही तरह ना, जैसे आप लोग हैं अगर सरकारी शिक्षक बनना है तो कहते हैं लड़ी में दुर्गेश पढ़ लीजिए, कोई ना कोई बताता है, अब कि बिलरा भी क्या बताए कि लीवर दबाओ खुल जाए। पिजड़े के बाहर थर्नडाइक महोदय क्या करते हैं, पहले तो पिजड़े में बिल्ली बंद कर देते हैं, उसके बाद बाहर उसके लिए तस्तरी खाने का, खाने के उसके मांस रख देते हैं, मांस का कुछ टुकड़ा रख देते हैं, जैसे ये मछली, अब मछली रख देते हैं, अब वो सूंघती है, उसके नाक तक महक आता है, जैसे अगर माता जी हमारी और आपकी माता जी कुछ बढ़िया व्यंजन बनाती है, बढ़िया कुछ बना था मम्मी, कुछ बनवा था, तो इस प्रकार कुछ ना कुछ बन रहा है का, तो हमारे और आपके मन में क्या आता है, उसकी सुगंध आती है, तो बिलरोप मुहे में गए सुंग, वाह क्या मछली महक रहा है, कहां है, तो प्रयास किया होगा, अरे मैं तो पिजड़े में बंद हूं बाहर कैसे निकलू, अब पिजड़े में अंदर है, भूख से तड़प रही है, और सामने खाना रखा है, वो पूरा कल बल छल लगा देती है, खूब उछलती कूदती है, मतलब उस बंद पिजड़े में वो इधर उधर खूब दौड़ लगाती है, ठीक है, दौड़ लगाने के बाद बेचारी थक जाती है, फिर भूख लगा है यार, ठीक है, जब भूख लग गया है तो क्या करेगी, अपने पंजे से कभी इधर तोड़ती कभी उधर तोड़ती, कभी डोरी खींचती छड़ पकड़ती, लेकिन धीरे धीरे असफल होगी। अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ता है, और जैसे लीवर दबा दरवाजा खुला, और दरवाजा खुला बिलरा बाहर, जैसे सुना होगा कि मेकअप भुला और दुल्हा रोया, वैसे पिजड़ा खुला लीवर दबा पिजड़ा खुला बिलरा बाहर, और जब बिलरा बाहर आ गया सामने मछली, भूखी बिल्ली सामने मछली, मांस का टुकड़ा, झपट पड़ी मछली खा ली। थर्नडाइक महोदय जब देख रहे थे उन्हें लगा यार इसने क्या किया, प्रयत्न किया, इन्होंने क्या किया, प्रयत्न किया, प्रयास किया, और गलती से ही वह लीवर दबा, वह कुंडी दबी, दरवाजा खुल गया, मछली खा ली। अच्छा मछली खा ली तो फिर क्या होता है, दरवाजा पुनः बंद कर देते हैं, थर्नडाइक महोदय क्या करते हैं, फिर उसको पकड़ते हैं धीरे से, और फिर लाकर पिंजरे में बंद कर देते हैं, फिर उसको भूख लगती है,
इस बार उसको पता, ज्यादा मेहनत नहीं करती, थोड़े मेहनत करती है और फिर क्या होता है, लीवर दब जाता है, और जब लीवर दब जाता है तो बिजला खुल गया, फिर बलरा बाहर मछली खा के आ गई, मांस खा के आ गई। मतलब इस बार उस बिलरा को अब पहले से कम समय लगा, अब ठंडा 1 किलो लगा क्या कुछ प्रयास के बाद, फिर वो कई बार इसका प्रयोग किया, फिर धीरे धीरे वो क्या किया, उसको पता हो गया जब उसको भूख लगती वो लीवर दबाती बाहर जाती। मैंने अब जो बिल्ली थी, जो बिलरा था, उसको ये पता चल गया कि कहां से लीवर दबाना है, कैसे बाहर। बिल्ली के द्वारा पिंजरा खोलना सीखने की जो प्रक्रिया है, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उद्दीपक वांछित अंकुरिया के बीच एक बॉन्ड बनता है। ठीक, थंडाइक के द्वारा जो सीखने की प्रक्रिया है, उसे कई महत्वपूर्ण बातें पता चली, जैसे बिल्ली भूखी चाहिए, अतः सीखने के लिए प्रेरणा का होना जरूरी है। खाए पिए बिल्ली हो, खाए पिए के मटान हो, तो भाड़ में जाए, चाहे दूध रखे चाहे मटन रखे, बाहर निकलवे ना करे। मतलब यहां पे सीखने के लिए प्रेरणा का होना जरूरी है। सरकारी मास्टर बने भी जाने, प्रेरणा का होना जरूरी है यार। 2 साल बीटीसी की है, बीएड की है, डीएलएड की है, माई बाप उतना पैसा लगाए काहे, ताकि उनका लड़का उनका लड़की मास्टर मास्टराइन बन जाए, सरकारी अध्यापिका बन जाए, अपने माई बाप का नाम, अपने भाई बहन का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करे। तो इसके लिए आपको मोटिवेट होना होगा, आपको पढ़ना होगा। दूसरा, बिल्ली की भूख संतुष्ट करने के लिए, उसके पेट को भरने के लिए भोजन जरूरी है। मतलब पुनर्बलन, माने भोजन उसका क्या था, पुनर्बलन था उसके लिए। मतलब हम अगर अपने शब्दों में कहें, माने पुनर्बलन का होना, पुनर्बलन का होना बहुत ही जरूरी है। क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे सरकारी शिक्षक बने, कैसे मैं बन गया, मैं आपको निःशुल्क क्लास उपलब्ध करा रहा हूं देश हित में, राष्ट्र हित में, क्यों, ताकि मैं भी चाहता हूं आप भी अपने मां बाप का नाम रोशन करें, सरकारी शिक्षक बने। वीडियो को मत शेयर करिए, मत लाइक करिए, लेकिन खुद से पढ़िए और इतिहास रचिए, क्योंकि आप जैसे लोगों के लिए ही आपके मां बाप ने अपने खून पसीने की काढ़ी कमाई लगाया था। फिर हमने देखा कि बिल्ली जब पिंजरे में बंद थी, बिल्ली हमारी क्या है, मैंने यहां पे बताया, जो हमारी बिल्ली है, भूखी बिल्ली, वो आर है। ये बिल्ली आर है हमारी, और क्या क्या करी, पहले उसने क्या किया, पिंजरे के अंदर खूब दौड़ती है, खूब उछलती, खूब खूब प्रयास करती है, ठीक है, फिर धीरे धीरे खूब प्रयास करती, कभी उछलती है, कभी टूटती है, कई बार प्रयास करती है, वो कई बार जो उसकी जाली लगी हो जिसको तोड़ने का प्रयास करती, बाहर झांकने का प्रयास करती है, कैसे हम बाहर आ जाएं, माने उछलती कूदती है, उसके जो लोहे के सरिया लगे होते हैं उसे तोड़ने का प्रयास करती है, एकदम असफल प्रयास करती है, फिर क्या होता है, असफल प्रयास करने के बाद फिर थकार कर बैठ जाती है, फिर दोबारा फिर सलाखों के बीच जो उसकी पिंजरा होता है उसे फिर निकलने का प्रयास करती है, सीना चौड़ा के जैसे पिक्चरिया हीरोइन निकले थे, एकदम चौड़ा सीना, बहरिया जाते हैं बारे, लेकिन फिर बेचारी ना पाओ, बहरिया ना पाओ, बाहर ना आ पाती बिजड़े से, तो फिर बिल्ली फिर बैठ जाती है। लेकिन भूख, सरकारी शिक्षक बनने की भूख, पढ़ेंगे कब तक पढ़ेंगे, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। बिल्ली फिर पिंजरे को खोलती है और खूब प्रयास करती है, अचानक लीवर दब जाता है और आर4 वो बाहर आ जाती है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, वो भी सरकारी अध्यापक और आपकी तरह अध्यापिका बन जाएगी। इस प्रकार हमने देखा बिल्ली ने 4 आर 5 आर, माने उसने क्या किया, रिस्पॉन्स दिया, रिस्पॉन्स किया, और फिर स्टिमुलस तथा रिस्पॉन्स के बीच एक बॉन्ड बना, एक बंधन बना, जिसे हम एसआर थ्योरी के नाम से जानते हैं। क्या आप लोग को समझ में आ गया, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, थंडाइक के कुछ नियम थे, इसके आधार पर थंडाइक ने क्या किया, अपने कुछ नियम दिए, क्या किया, कुछ नियम दिए। वीडियो बड़ा होगा कि सिलेक्शन लेना है ना, ध्यान से पढ़िएगा, सारे लेक्चर को पढ़िएगा, केवल यही नहीं। अब थंडाइक के सीखने के नियम है, इन्होंने 2 नियम दिया, पहला मुख्य नियम, दूसरा गौड़ नियम। मुख्य नियम कितने थे, 3। पहला था अभ्यास का नियम या तत्परता का नियम, जो भी आप लिख रहे हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा अभ्यास का नियम, लाप एक्सरसाइज। पहला नियम क्या है, अभ्यास का नियम, इसे कहते हैं लाप एक्सरसाइज। अब कुछ लोग कहते हैं हमको गणित नहीं आती, हमको पर्यावरण समझ में नहीं आता, हमको बाल विकास समझ में नहीं आता, हमको हिंदी समझ में नहीं आता, हमको कंप्यूटर समझ में नहीं आता, हमें संस्कृत समझ में नहीं आती, हमें इंग्लिश नहीं आती, क्या ऐसा कहने से आपका चयन हो जाएगा? जी नहीं, उसके लिए मेहनत करिए। कुछ लोग कहते हैं सर मेरा इस बार टेट नहीं हुआ, सर मेरा इस बार शिक्षक भर्ती परीक्षा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ,
अब मैं क्या करूं। तो यही कहता है थर्नडाइक की थ्योरी, अभ्यास का जो नियम है यही कहता है, लात एक्सरसाइज कहता है, कहता है उठो जागो भागो तब तक जब तक आपकी लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। किस महापुरुष ने कहा था? लेकिन जिसने भी कहा था आपके लिए कहा था। ये उपयोग अनुप्रयोग का नियम भी इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उपयोग अनुप्रयोग का नियम कहते हैं। इसे ला आप यूज डिसयूज के नाम से भी जानते हैं, डिसयूज के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि अभ्यास के नियम में कहता है को बार बार करिए। बार बार कहने से दृढ़ हो जाता है। मुझे ये थ्योरी कैसे याद हुई? एक बार नहीं, हमें पढ़ाना था, कई बार हमने पढ़ा, एकदम छप गया। जैसे लग रहा है कि पूरा आप तो थ्योरी एकदम हूबहू आपको पढ़ा रहे हैं। इसके लिए आप भी मेहनत करिए। एक बार नहीं याद होगा, दो बार नहीं होगा, तीन बार नहीं होगा, कैसे नहीं याद होगा यार? क्या आपने मेरा नाम याद किया था? क्या अपने भाई का नाम आपने याद किया था? अपने मित्र का नाम याद किया था? सुनते सुनते कई बार दोहराया और आपको नाम रट गया। मतलब मनुष्य को बार बार अभ्यास क्या होती है? दक्ष बना देती है। अभी आपको शीशा काटने के लिए कह दिया जाए, अभी आरी लगाने के लिए कह दिया जाए, नहीं कर पाएंगे। लेकिन बड़ा ही आता है, आराम से बसूला लगाए, खट 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 तोड़ के सही कह दे, काहे अभ्यास किया उसने। आपने सुना होगा कबीरदास जी का, कुमत तोरत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात तय सिर पर पड़त निशान। जी हाँ, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात तय सिर पर पड़त निशान। मतलब क्या था कि जो कुआं होता है, लजुरी से पानी खींचते हैं, रस्सी से पानी निकालते हैं, और कुएं की जो दीवारी होती है पत्थर की होती है, तो पत्थर पे निशान बनाना है तो क्या बना ले बका? न बनी। रस्सी से वो रस्सी टूट गई, लेकिन वो कहते हैं बार बार कुएं के अंदर बाल्टी जाएगी, आएगी जाएगी आएगी, तो बार बार रस्सी का रगड़ पड़ता जाएगा, और धीरे धीरे रगड़ पड़ते पड़ते क्या होगा? रगड़ पड़ते पड़ते क्या हो जाएगा? उस पत्थर पर निशान बन जाएगा। वही कबीरदास जी कहते हैं, मतलब अभ्यास करते रहने से हम जैसे मंद बुद्धि बालक भी क्या हो सकते हैं? विद्वान बन सकते हैं। तो आप कैसे नहीं बन सकते बताइए? स्वर्णार आप लोग को जब कुएं की जगत पर निशान पड़ सकता है तो आप अध्यापक क्यों नहीं बन सकते? बस अभ्यास करते रहिएगा, लेकिन रुकिएगा मत जब तक आपका चयन ना हो जाए। ठीक है, समझ में आप लोग को? बताइए, जैसे जब हमने बचपन में साइकिल सीखना शुरू किया था, आपने भी शुरू किया हो, तो जब पहली बार आपने साइकिल चलाना शुरू किया था, क्या आपने एक ही बार में साइकिल सीख लिया? नहीं, आपने कई बार प्रयास किया, कभी गिर गए, कभी कैंची चलाए, फिर गद्दी में बैठना शुरू किया, कई बार गिरे, खुद ठोके, दूसरे को ठोके, फिर जाकर धीरे धीरे आप साइकिल आराम से चला लेते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम अभ्यास के द्वारा आसानी से सीख पाते हैं। और जैसे गाना होता है, कोई अगर गाना, जैसे आपने कई गाना सुना, जैसे चक दे इंडिया सुना आपने, कैसे आपको याद हुआ? मां तुझे सलाम एक बार में कैसे याद हुआ? आपने कई बार सुना, कई बार दोहराया, तब जाके यह गाना याद हुआ। एक ही बार में आपको याद हुआ बताइए? तो यहां पर हमने किसी को साइकिल चलाना हुआ, गाना गाना हुआ, कविता, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बात तने में उनकी रस्सी साथ कहीं भी हम भी आ जाते। तो कैसे याद हुआ? कद्दू जी की चली बरात ही बतातो की बरसात, बचपन की कविताएं कैसे याद है? बार बार दोहराने से, बार बार पढ़ने से, सुनने से, अभ्यास करने से याद हो गई। क्या पहली बार आपने क बनाना सीख लिया था? क्या आपने एक बार में हिंदी पढ़ना सीख लिया था? क्या आपने एक बार में ही कार चलाना सीख लिया, बाइक चलाना सीख लिया, साइकिल चलाना सीख लिया? जी नहीं, आपने अभ्यास किया। वही कहता है अभ्यास का नियम, या थर्नडाइक का मुख्य और प्रथम नियम है। दूसरा तत्परता का नियम, दूसरा इनका तत्परता का नियम। क्या आप जानते हैं तत्परता का नियम क्या है? बताइए कितने लोग जानते हैं? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में समझिएगा, इसे क्या कहते हैं? इस नियम का मतलब है कि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार तत्पर होते हैं। हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार होते हैं, तत्पर होते हैं, तब उसे हम जल्दी सीख लेते हैं। मतलब अगर कुछ लोग सोच लिए हैं क्या दो साल हम बीटीसी कर लिए, बीएड कर लिए भाई, डीएलएड कर लिए भाई, अब हमें नौकरी करे बा, अब हमें पढ़े चाहिए, तब नु पढ़ी कैसे? मनमानी पढ़ ली, ओके मन चिंता ना बा, जाए दफाड़े में जाए, काकर मास्टर बन के, काकर मास्टर बन के,
तो खाक पड़ी कुछ ना पढ़ पाई, मतलब उसके लिए उसे तैयार होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए तब पढ़ पाई। इसी को क्या कहते हैं, माने जैसे लड़ाई लड़े जाए खो, युद्ध करे जाए खो, तो युद्ध विदा तुम्हारा तैयारी ना हो, सुबह उठे तलवार ली है चल गए युद्ध करे विदा, झूलत के पहुंचे और हाथ चसे मारे गर्दन धारो गिर गए पार हो जाए, तो खाक युद्ध जीत, मतलब युद्ध के लिए तैयारी जरूरी है, अभ्यास जरूरी है। तो यहां पर इसीलिए इसे तत्परता बुढ़वा कहते हैं, ये मानसिक तैयारी का नियम है। बुढ़वा क्या कहते हैं, इसे मानसिक तैयारी का नियम कहते हैं, तत्परता के नियम को कहते हैं मानसिक तैयारी का नियम। यहां से तैयार हुआ कि सिलेक्शन लेना है, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यहां से सोचना है। किसने कहा, बुढ़वा ने कहा, यह लाख मेंटल सेट है, ये किसका है, ये मानसिक तैयारी का नियम इन्होंने कहा। ठीक है, जैसे क्यों कह दिया जाए, जबरी पढ़े बिना पढ़वे नहीं करी, कह जा हमने पढ़ा, लेकिन जब तो उसके दिमाग में आएगा यार हम पढ़ेंगे अध्यापक बन जाएंगे, पेमेंट आएगा, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे, अपने परिवार अपने भाई बहन के सपनों को पूरा करेंगे। अगले दिन से वो इलनी भी दुर्गेश की वीडियो देखना शुरू, एक वीडियो छोड़ेगा नहीं, चाहे फेसबुक पे चले, चाहे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, चाहे उनकी इलनी भी दुर्गेश ऐप पे, हर जगह खोज खोज के पढ़ी, क्योंकि उसके दिमाग में आ गया, वो तत्पर है, तैयार है। कौन सी किताब, कौन सी नोट, ऐसे कहेंगे रे उनका नोट्स की पढ़ी, फलाना हो गया सिलेक्शन, हमारा थोड़ी सिलेक्शन हुई। लेकिन जब वो लगे नहीं नहीं यार हमें जरूरत है, हमें कुछ सिलेक्टेड चीजें मिल जाएंगी, एनसीईआरटी का निचोड़ है, हमें पढ़ना चाहिए, तैयार हुए आपने पढ़ लिया। तो इसके लिए क्या है, आपको तैयार होना जरूरी है। अब इसे चाहे सुपर टेट के पेपर हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे रीट हो, कौनो पेपर हो, किसी पेपर में जितने लोग आवेदन करते हैं सभी पास होते हैं, जितने तैयार होते हैं उतने पास होते हैं, बाकी फिर अगली बार ट्राई टू ट्राई अगेन ट्राई। तो कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी नोट्स पढ़नी है, कौन सा लेक्चर देखना है, किसका लेक्चर देखना है, ये कब माने रखता है, जब अब तत्पर हो तैयार होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लड़कियां पैदा हो तो के मास्टर बना दे, ओके कहते दौड़ बच्ची दौड़, उसके लिए परिपक्वता होना जरूरी है। माने तत्परता का संबंध परिपक्वता से है, इना बच्ची पैदा हो दौड़ चल तो मास्टर बना दी, कक्षा पांचम लड़का बा चल बच्चे तुझे ब्रिटिशी करा दी, ना, परिपक्वता होना जरूरी है, तत्परता का संबंध परिपक्वता से होता है। अब इसका अंतिम नियम होगा हमारा प्रभाव का नियम, परिणाम का नियम इसे कहते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड रिजल्ट के नाम से जानते हैं, प्रभाव या परिणाम का नियम इसे कहते हैं। अब बताइए संतोष और असंतोष का नाम क्या, सिद्धांत भी कहते हैं संतोष का सिद्धांत असंतोष का सिद्धांत, तो गांव वाला संतोष नहीं यार, ये नहीं कि हमारे गांव वाला सिद्धांत संतोष, वो संतोष नहीं, वही संतोष परम सुखम वाला सैटिस्फाई सैटिस्फैक्शन लाभ सैटिस्फैक्शन। प्रसन्नता से दुख का नियम इसे कहते हैं, माने लाभ प्लेजर एंड पेन, माने प्रसन्नता का दुख का नियम कहते हैं। माने सिद्धांत में कहा गया है, समझा जाता है प्रभाव, माने हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे हित में हो, जिससे हमें खुशी मिले, जिससे हमें चैन मिले, चैन सोने वाला ना है, संतोष मिले, संतोष तो लड़का ना है, संतोष सैटिस्फैक्शन मिले, ऐसा ना है अब हमें अब पता चला कि हम नौकरी कर ले तो हमारे माई बहू का नाम रोशन हुए, हमारे खाते में हर महीना 45,000 रुपया आ जाए, दुख की बात नहीं। इसीलिए आप पढ़ रहे हैं, चाहे कोरोना काल चले चाहे कोनो काल चले, सैलरी फिक्स हो जाती है, और जिस दिन आप सफल होकर आते हैं ना, आपका जो समाज होता है ना वो भी कहता है फलाने के बेटा सफल हो गए, फलाने बिटिया मुस्टाइन हो गए, तहूं पर तहूं हो जावे, तो उनको भी खुशी मिलती है कि फलाने का बेटा होगा फलाने की बिटिया हो गए, हम मास्टर क्यों नहीं हो सकते। तो यह क्या है, प्रभाव या परिणाम का नियम है, देख कर भी लोग संतोष होता है, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, हाँ यार सरकारी शिक्षक बनना चाहिए, इसलिए आप भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, छात्र गहन अध्ययन सफलता प्राप्त करने के लिए करता है, जो छात्र होते हैं अभ्यर्थी होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं ताकि वो पास हो जाए सफल हो जाए जीवन में, लेकिन जब बार बार पास नहीं होते रुचि नहीं लगती दुख होता है, लेकिन रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वीडियो को शेयर कर दिया पैसा ना कटे, लाइक का बटन दबाया, अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो ना तो जल्दी से लाल का बटन दबाए कि घंटा बना दे जल्दी से। देखिए इसमें हम बताएं कि जैसे हमने आपने देखा है कि जब कोई बच्चा कभी कभी स्कूल में आता है तो हम कहते हैं तो बस करना हो, पढ़ पाई भी
निराश होता है, दुखी हो जाता है, अब वो नहीं पढ़ता। जैसे उसे कह दिया गिनती सुनाओ, नहीं पढ़ पाता, तोरे गिनती नहीं है, तेरे बुढ़बक है, तोरे समझे नहीं है, मत है काली से, तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा, उसे दुख होगा हमारे मास्टर में इसे कह दिया, फिर वो नहीं पढ़ेगा और धीरे धीरे सुस्त होगा, निराश होगा और अधिगम क्या हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। तो सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं है, उसका पेट थपथपाइए, उसे मोटिवेट करिए, यार तुम बहुत अच्छा, कल सुनाना और अच्छे से और बढ़िया से बताना, उसे मोटिवेट करिए। जैसे आप लोग कहते सर हम सरकारी मास्टर बन पाए, हमारा गुणांक तो कम बा, अरे यार काहे ही ना बन पाए यार, मेहनत करे ना, सुपर टेटोल नंबर ज्यादा लिया बने, टेटोल नंबर पास करे ना, ऐसे ना मास्टर बन पाए, तू ना बन मत के बनी यार, मेहनत करे ना, इसके लिए अपना बेस्ट दीजिए। समझ में आया? जैसे बार बार आप बीटीसी पास हो गए, डीएलएड पास हो गए, बीएड पास हो गए, टेटो पास हो जाए ना, पढ़वा तब ना पास हो गए, अगर बात सुपर टेट जब कुल पास हो लगभग, तो लगा था यार हाँ यार हम मास्टर बन जाए, तो मोटिवेशन जरूरी है। अपने नहीं बगल में देखिए आपके यहाँ पढ़कर लोग मास्टर हुए, आप क्यों नहीं होंगे? तो मतलब जब आप अच्छा करते हैं तो आपके माँ बाप कहते हैं हाँ यार बीटीसी कर लो, पढ़ने में तेज हो, बीएड कर लो, डीएलएड कर लो, अच्छा टेट पढ़ लो, कहां से? तो आप जब आप बढ़िया करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपके माँ बाप कहते हैं इलानी में दुर्गेश ज्वाइन कर लो, घर बैठ के पढ़ो, निःशुल्क पढ़ाते हैं दुर्गेश, घर बैठ के तैयारी करो, खुद से अध्यापक हैं, फिर भी अपने टाइम निकालकर आज गेस्ट के रूप में आते हैं और आपको अपना बेस्ट देते हैं। तो फिर आपके माँ बाप कहते ठीक है हम दुर्गेश सर को पढ़ेंगे, अब हमें साइकिल दे लेते, और आपके पापा साइकिल दिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप प्रसन्न हुए। यही कहता है प्रभाव और परिणाम का नियम, आपके पढ़ने से आपके पापा प्रभावित होते हैं और दिला देते हैं। जैसे सौरभ को आईफोन मिल गया, प्रभावित होकर कि बड़ा मेहनत से लड़का पढ़ता है, आईफोन मिल गया उसको। अब आते हैं ये तीन नियम को हम मुख्य नियम कहते हैं, ये थंडाई के तीन मुख्य नियम है। इसके बाद आता है गौढ़ नियम, जिनकी संख्या पांच है, जिनकी संख्या क्या है पांच है। ठीक है, आइए पांचों को जल्दी पढ़ लेते हैं, हाँ पांच मिनट में खत्म कर देते हैं, वीडियो में शेयर कर दिया कई ना वह पैसा ना कटी। इसमें है पहला बहु प्रतिक्रिया का नियम, कौन सा नियम? बहु प्रतिक्रिया का नियम, लाभ मल्टीपल रिस्पांस, बहु प्रतिक्रिया का नियम। जैसे जब हम कोई नया काम करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, उसके लिए हमें अनेक काम करना पड़ता है, अनेक तरीके से करना पड़ता है। जैसे जब बिलगा पिजड़ा बन रहा, ठंडाई वाला बिलरा, तो कई प्रयास किए, मतलब कभी पिजड़े को बाहर देखा होगा, अच्छी से देखा होगा, कभी पिजड़े को ऐसे तोड़ा होगा बाहर आने के लिए, फिर कभी उसको लगा होगा ऊपर से कूदे, कभी नीचे से, कभी बाहर ताने का, कभी पंजा लगा होगा, मतलब उसने अनेक कई प्रकार का प्रयोग किया ताकि वो टूट जाए। इसे पहली बार टीटी पढ़े विदा या टीटी पास करे विदा, कई जने वीडियो देखे, कई जने समझाए, लेकिन बाल मनोविज्ञान में ना सब कुछ एक कर मिले। अब पांच नियम में कम छठ लिया देखा, लेकिन आपको समझाना है, आपके दिमाग में जहन में बताना कैसे है ये माने रखता है। तो यही कहता है हमें ऐसे तरीके का इस्तेमाल करना है ताकि आपको चीजें समझ में आए और आप सिलेक्शन लें और सरकारी शिक्षक बने, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। इसलिए इसे कहते हैं बहु प्रतिक्रिया का नियम, कई प्रकार क्रिया करिए, पढ़िए, ऐप पे जाके पढ़िए, टेलीग्राम पे जाके पढ़िए, फेसबुक पे जाके पढ़िए, कहीं भी, लेकिन पढ़िए जरूर। फोकस आपका क्या होगा, एंड पे होना चाहिए। दूसरा है आत्मीकरण का नियम, क्या है आत्मीकरण का नियम? इसमें क्या होता है, हम अपने पूर्व ज्ञान को अस्थाई बनाने का काम करते हैं, हम इसे जैसे आपको यह बताना है या पढ़ना है, इसे ऐसे समझिएगा ये ज्ञात से अज्ञात की तरफ, आत्मीकरण माने जो चीजें ज्ञात है उसे अज्ञात की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमें यह पता है पंखा हमारा चलता है बिजली से, ये आप वीडियो देख पा रहे हैं यूट्यूब पर, इंटरनेट से, तो इंटरनेट की एनर्जी है, तो इसी प्रकार ये हवा चलता होगा तो कोनो कारण होगा, ये पनिया बरसता होगा ये कारण होगा, मतलब आपको पता है इसी तरह ऊपर पाथर फेंकर नीचे आएगा, अच्छा कोनो ताकत हो, एक नाम का गुरुत्वाकर्षण, जब इटवा फेंकर वह नीचे आई जाए तो कहो गुरुत्वाकर्षण, मैंने अपने नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर आत्मसात करना ही क्या कहलाता है, आत्मीकरण का नियम कहते हैं। यह अज्ञात से अज्ञात की तरफ, ज्ञात जो चीज आपको जानकारी है उससे हम अज्ञात की तरफ बढ़े। जैसे दो साल बीटीसी बीएड डीएलएड में जो पढ़े रहे वही का आधार पर ठंडाई को पढ़ा था, ये तो सेमेस्टर पढ़ चुका है लेकिन फिर इसको पढ़ रहे हैं, यही है ज्ञात से अज्ञात आत्मीकरण का नियम कहलाता है। अगला है मानसिक विन्यास का नियम, क्या है मानसिक विन्यास का नियम? जिस कार्य में हमारी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है उस कार्य को हम उसी अनुपात में सीखते हैं, जिसे का जितना मिला टेट देते हैं का कुल पास हो जाता है ना,
वो जितना बेस्ट देते हैं, जितना मेहनत करते हैं, उतना ही पास होते हैं। जितना सुपर टेट देते हैं, कुल मास्टर बन जाते हैं। जो उसके लिए उतनी मेहनत करते हैं उस अनुपात में, वही बन पाते हैं। माने जो प्राणी होता है मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार नहीं, तो कार्य को नहीं सीख पाएगा। मतलब सिलेक्शन लेने के लिए जो नहीं मेहनत करेगा, नहीं सिलेक्ट हो पाएगा। उस कार्य के बारे में हमारा जो सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, स्वस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए, अभिवृत्ति विकसित होना जरूरी है। मतलब आपने सुना है कि अगर पहले कुछ लगा, अरे हमारे पास का टेट ना बा, हम टेट ना पास हुई पाई, तो कहा टेट पास हुई कुछ लोग करें, हमको गणित ना आवत बा, हम ना पास हो। अरे दुर्गेश्वर गणित कभी पढ़े? और हम ईबीएस समझे हम ना आवत। अरे दुर्गेश्वर की ईबीएस पढ़ा कभी? बिना पढ़े? अरे पढ़िए तो सही। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पहले यहां से स्ट्रांग बनिए। अगर हारने से पहले हार मान लेंगे, कोई माइकल लाला को जीता नहीं सकता। चलिए अगला है आंशिक क्रिया का नियम। कौन सा नियम? आंशिक क्रिया का नियम। ये क्या है? हम कभी जब कोई काम करते छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर करते, जैसे हमने क्या किया, अब जब पूरे फ्रंडाइक को पढ़ना था, हमने रचना एक तरफ कर दिया, सिद्धांत एक तरफ, उनके वैज्ञानिक प्रयोग एक तरफ, उनके नियम एक तरफ, अलग अलग टुकड़ों में पढ़े, और पता भी नहीं चला फ्रंडाइक को खत्म हो गया, फ्रंडाइक खत्म हो गया, सॉरी फ्रंडाइक के लिए। ठीक, इसे कहते हैं कौन सा? आंशिक क्रिया का नियम। कौन से अंश की तरफ हम लोग चल रहे हैं? छोटे छोटे भागों में भाग कर पढ़ रहे हैं। सिलेक्शन जो लेना है यार, गणित से डर लगता है, दुर्गेश्वर को पढ़िए। घमंड नहीं, गर्व की बात है, कभी क्लास पढ़ के तो देखिए। जी हाँ, अगला मतलब जैसे कोई बच्चा है कोई हमारी कक्षा में, तो प्रयास ये करता है रंगीन चित्रों को पढ़ने का प्रयास करता है। पहले क्या करता है, मोटे मोटे हेडिंग को पढ़ता है, फिर कहानी को पढ़ता है, फिर उसके प्रश्न को पढ़ता है, धीरे धीरे क्या करता है वो पूरी किताब पढ़ा। जैसे आप इलेवन दुर्गे से नोट्स पढ़े होंगे, लगता शॉर्ट नोट्स कैसे होगा, लेकिन आप जब उसको पढ़ेंगे लगता है छोटे छोटे टुकड़ों में जोड़कर इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो वही है कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर हम बड़ा सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या होगा? आंशिक क्रिया का नियम कहलाएगा। अगला अंतिम आपके लिए है, जी हाँ, सहचर परिवर्तन का नियम। सहचर परिवर्तन क्या होता है पता है आपको? कितने लोग इस बात को जानते हैं? मतलब पहले से एक बार अगर टेट पास है, दोबारा पास करना है। मैंने पहले कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी बार करना, इसे अनुकूलन अनुक्रिया का नियम कहते हैं, इसे सहचर परिवर्तन का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अनुकूलन अनुक्रिया का नियम भी कहते हैं, सहचर का नियम भी कहते हैं। मतलब हम लोगों ने, आप लोगों ने यहां पे देख लिया, बस दो मिनट और रुक जाइएगा, इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्य भी बता देंगे। मैंने यहां पर हमने देखा कि अधिगम में प्रोत्साहित देने में उसकी वृद्धि की जाए, तभी बच्चा सफल होगा, परिपक्व होगा। मेरे बालक के क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए? अब ये प्रश्न आता है कि इतनी थियरी जो हम पढ़ रहे हैं, क्या इसका प्रयोग कहां कहां होगा? आइए इस बात को जानते हैं, इसका प्रयोग कैसे कैसे करेंगे। मैंने सिद्धांत हमने देखा कि अभ्यास के द्वारा हम जो सीखते हैं वह ज्ञान स्थायी हो जाता है। जो भी अभ्यास के द्वारा सीखते हैं, माने करके सीखते हैं जो, उससे ज्ञान आपका अस्थायी हो जाता है। मतलब यहां पर हम अपने सिद्धांतों में जो गलती करते हैं उससे धीरे धीरे अनुभव से सीखते हैं, परिस्थितियों का लाभ उठाने का है। जैसे पहली बार कुछ लोग दूसरी बार पकड़ दे रहे होंगे, पता चला कहीं और पढ़ रहे थे, तो इस बार नहीं नहीं इलाडी में दुर्गेश को पढ़ना। मैंने लोग जो गलतियां करते हैं सुधार करते, सिद्धांत बताता है बिलरा की तरह। ये सिद्धांत करके सीखने पर फल देता है, करके सीखो, उसके द्वारा ज्ञान अर्जित होता है। मतलब अगर मेरी तरह कोई मंदबुद्धि बालक है ना, वो मेहनत कर प्रयत्न कर बार बार त्रुटियां कर हमेशा नया सीख कर, वो क्या हो सकता है? एक सरकारी शिक्षक बेस्ट दे सकता है अपना। बच्चों में परिश्रम की भावना जागती है, उसके अंदर सकारात्मक चीज आती है, और बच्चे क्या होते हैं? धनवान होते हैं, उनके अंदर परिश्रम गुणों का विकास होता है, और यह सिद्धांत उन्हें मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार करती है। इस प्रकार बच्चे जो होते हैं आशावादी होते हैं, असफलता में सफलता देखने वाला बनता है, यह मोटिवेशन का सिद्धांत है। इसलिए हमने अंतोगत्वा देखा कि यह थंडाई का नियम। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वाह, अन्यथा ऑनलाइन क्लास नोट के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, यह जौनपुर जनपद से चलती है। मेरी क्लासेज आपको निःशुल्क देशित में राष्ट्रीय में मिलती है। आप एप्लीकेशन से सारी क्लासेज डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जहां पे आपको एप्लीकेशन इंटरनेट का चार्ज देना होगा, बाकी मेरी वीडियो लेक्चर पूरी तरह से निःशुल्क होंगे। आप इसका उपयोग कर सकते हैं, घर बैठे एनसीईआरटी नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। एक छोटा सा सवाल, फ्रंडाइक के सिद्धांत को
व्यवहारवादी का सिद्धांत क्यों कहते हैं, इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। सभी लोग जितने उस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, और क्या आपने वीडियो को शेयर किया, नहीं किया तो जल्दी शेयर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।